Hi guys, welcome back to my channel and I know I'm back after a long time. Like मैंने short video upload किया है but long video, especially a vlog, this is going live after like 3 months. कि मैं बहुत busy हो गई थी मेरे exam को लेकर, मेरे एक pageant थी तो उसको लेकर and now I'm finally back with another vlog. As you already know from the thumbnail and the title, yes, this is a Raiganj vlog. एंड इसके पहले आप लोगों ने मेरे साड़ी ब्लॉग पर मुझे देखा है जाने को विथ माई टीम एंड माई फ्रेंड्स, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्रैवल अलोन. इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई थॉट टू ब्लॉग दिस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर ऑल द बेस्ट मोमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड इन रायगंज. इट फील्स वेरी इमोशनल टू रिकनेक्ट विद दैम आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर. एंड आज इस बार भी मैं जा रही हूँ फॉर अ शो. मेरे एक बहुत पुराना दोस्त थे एंड बहुत अच्छा दोस्त थे संजू, उसका शो होने वाला है डी फैशन गाला. सो लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर. तो और क्या, बस ऐसे मैं निकल पड़ी और आ गई मैं स्टेशन पर. और अब देख सकती हूँ कि अरे कितना ज़्यादा धूप था, तो इसलिए मैं बिल्कुल पैक होकर आई थी. और ऐसे ही ट्रेन से बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखते हुए मैं जल्दी ही पहुँच गई. वैसे मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं दिए वरना मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाओगे, तो बस जो कुछ भी मुझे बेस्ट दिखा वही सारा क्लिप डाला मैंने. और मेरा ट्रेन ना बिल्कुल 1 घंटा लेट पहुँचा था, इतना बोर हो गई थी अकेले अकेले. तो आप देख सकते हो कि मैं पहुँच चुकी हूँ, शाम हो गई थी. और भाई साहब मुझे इतना ज़्यादा भूख लगा था, मतलब बिल्कुल ही भूख की शिकारी हो गई थी मैं. और चारों तरफ बस ये फ्रूट्स के दुकान और बस ये लॉटरी सेंटर मुझे नज़र आ रहे थे. फाइनली ढूंढते ढूंढते एक मोमो का दुकान मिला और 30 रुपये में 6 पीस बड़ा बड़ा चिकन मोमो, और क्या चाहिए. और ये अंकल देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की अकेले अकेले से मोबाइल को लेकर पागल की तरह क्या कर रही है. और क्या, मुझे मिल गया अपना इतना लॉन्ग अवेटेड चिकन मोमो. और बस मैं टूट पड़ी. फिर पापिया दिया है मुझे रिसीव करने और उनके घोड़ी पर, आई मीन स्कूटी पर बैठकर मैं पहुंच गई थी उनके घर. एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई थॉट कि मैं उस दिन को शाम को जाकर निकलूंगी घूमने और फिर पूरे दिन को व्लॉग करूंगी, बट गाइज आई वॉज सो टायर्ड. मैं बस घर जाकर फ्रेश होकर मतलब सो गई, मतलब लिटरली मुझे नींद आ गया, मैं इतना टायर्ड थी. सो उस दिन को मैं और कुछ व्लॉग नहीं कर पाई. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं जल्दी जल्दी उठ गई बिकॉज शो था. आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा धूप था उस दिन भी, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी था. और फिर मैं जल्दी से जल्दी रेडी होकर आ गई थी. आप देख सकते हो कि आई एम फुल रेडी एंजॉइंग द शो एंड आई वॉज देयर एज द किड्स जूरी मेंबर. बाय द वे मैंने ना मेकअप खुद किया था, ये थोड़ा सा खुद का प्रमोशन कर दिया. एंड आई एम इंसर्टिंग सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट फ्रॉम द शो. आई होप यू एन्जॉय इट. The show was awesome. I enjoyed a lot truly, but actually it felt so wrong to choose among them. आप देख सकते हो कि कितने छोटू सा प्यारा सा फूल की तरह है सारे बच्चे, बट उनमें से हमें बस 4 विनर सिलेक्ट करना पड़ा. इट वॉज सो रॉन्ग टू जज देम, आई नो, बट इन अ कॉम्पिटिशन यू हैव टू चूज एंड टू मी दे ऑल आर चैम्पियन. ये हमारा शो का एडमिन जो कि बहुत 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 बिजी था सारा दिन, तो मैं नहीं ले पाई हूँ, बट द वन एंड ओनली संजू माई डियरेस्ट फ्रेंड, thank you for inviting me. it was a lovely experience, but I know that it wasn't that lovely for you kyunki pura din isne nahi khaya. aap chahe dekh sakte ho bechare ka, hum sab to sach dhakar aa gaye hain, but tum deserve karti ho. aur bhi bright future hai, matlab dikh raha hai sabko. thank you so much, but you deserve it too, the hard work that you put into the show, we all like saw it. Thank you so much. And we are matching, almost matching. ये मेरा favorite color है जिस color का. We both are Sanju and Sanju. Yes, मैं संजना, but मुझे सब संजू बोलते हैं. ये भी संजू है. दो संजू in one frame. Yes. Finally. You can see what happens actually behind a fashion show or any stage show. ये आपको कोई भी नहीं दिखाता होगा. सारा जो मेहनत होता है ना वो तो इन टेक्नीशियन भैया का होता है. देखो सारा जो चीज़ है इनको बस ऐसे ही ठीक ठाक करके ले जाना पड़ता है. अभी हम जा रहे हैं फाइनली इतने रात को टूवर्ड्स अवर घर. फाइनली शो सक्सेसफुली हो चुका है एंड इसी मोमेंट का वेट कर रही थी कि कब घर जाऊँगी. और फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को आ गई स्टेशन पर. ये था मेरे घर लौटने का दिन. होम स्वीट होम, यार घर जाने की खुशी कुछ और ही होती है. शो भी हो गया बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छे मूड में थी और मेरा ट्रेन भी आ गया टाइम पर. और ऐसे ही मैं बस चलते चलते कट गए रास्ते, आराम से घर भी पहुँच गई. एंड आई एम फिनिशिंग दिस व्लॉग एयर. आई होप यू एन्जॉयड. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो डू कमेंट बिलो दैट विच पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल यू आर फ्रॉम. एंड यार शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई
माई चैनल फॉर मोर सच फन वीडियोज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टेक केयर. आई लव यू ऑल. बाय.